देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कहा गया है आपको एक फिगर गिवन है जिसमें 3 kg का एक ब्लॉक है और 3 kg के ब्लॉक की जो लेंथ है वो 30 cm है। तो 30 cm लेंथ दे रखी है और 3 kg का एक ब्लॉक है, बराबर है। उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 32 न्यूटन लग रहा है और एक 20 न्यूटन लग रहा है। तो आपको जहां से ये ब्लॉक कट कर दिया गया है, जहां से ये ब्लॉक कट कर दिया गया है वहां पर टेंशन बताना है। क्या यहां पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, 10 cm वाला 20 वाले को कितने से एग्जर्ट करेगा, 20 वाला 10 वाले को कितने से एग्जर्ट करेगा। देखो बात कैसी है, अगर मैं यहां से इसको फोर्स लगा के खींचता हूं तो यहां पर जिस एंड पे फोर्स लगाया गया है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर पे फोर्स लगाया गया है तो ये आपस में बॉन्डिंग स्टेब्लिश किए हुए हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मैं यहां खींचूंगा तो इसके पास वाला जो एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड इस तरह से खींचने के कारण वो कंपाउंड जो होगा उसका खिंचाव बाहर की तरफ होगा, तो वो अंदर वाले कंपाउंड को या अंदर वाले एटम को बाहर की तरफ खींचना शुरू करेगा। मतलब तनाव होगा, टेंशन होगा, वह टेंशन हमको निकालना उस पॉइंट पर कितना होगा। आइए बोर्ड की तरफ और सीखिए किस तरह से निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है, 3 kg का ब्लॉक है, 30 cm लेंथ है। देखिए मैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सजेस्ट करूंगा कि जहां से कट करके टेंशन निकालना है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उसे कट करके 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। सर मतलब क्या, मतलब ये कि 10 cm का एक ब्लॉक बना दो, बीच में एक वायर एस्टेब्लिश कर दो, उस वायर में हम टेंशन निकालेंगे। देखो 3 kg मास है 30 cm के लिए, तो 10 cm के लिए कितना मास होगा डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, 1 kg होगा। तो 10 cm के लिए 1 kg मास हुआ तो 20 cm के लिए 2 kg मास होगा। बाकी हम अब टेंशन निकालने की मेथड जानते हैं, यहां से यहां तक है 32 और ये वापस से देखिएगा यहां से यहां तक कितना है 20 न्यूटन है, ठीक है ना। अब देखो ये कनेक्टिंग पॉइंट है, मैं हमेशा कहता आया हूं कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे होता है, तो पहले कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लो सारे। ये कनेक्टिंग पॉइंट्स है, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स है, टेंशन मतलब 32 की डायरेक्शन इस तरफ, 32 इस तरफ, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे 32 इस तरफ, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग पॉइंट है, एक तो 20 इस तरफ, ये कनेक्टिंग पॉइंट है 20 इस तरफ, ये कनेक्टिंग पॉइंट है 20 इस तरफ, इस तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात ऐसी है, इसको आप ऐसा भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे, ये 1 kg, ये 2 kg, पुली का कोई खासा रोल है ही नहीं, ये 32 इस पॉइंट पे 32 न्यूटन, ठीक है, और इस कनेक्टिंग पॉइंट पे ये कितने न्यूटन है, तो 20 न्यूटन है। अब देखो दोनों के बीच में टेंशन निकालना है, तो हमें पता नहीं टेंशन क्या है, तो मैंने मान लिया ये कनेक्टिंग पॉइंट, ये कनेक्टिंग पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने टेंशन टी मान लिया, अब आप खुद देख पा रहे हैं कि 32 और 20 में से 32 बड़ा है तो इधर की तरफ चलने लगेगा, तो चलाने वाला फोर्स कितना हो गया, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, दैट इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। चलाने वाला कितना फोर्स है, टोटल देखो इस पूरे को देखो आप ध्यान से, तो कितना फोर्स है जो मोशन करवा रहा है, तो 32, रोकने वाला कितना है, तो 20, मास कितना है, तो 2 + 3, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो यह आएगा 32 - 20 मतलब 12/3, तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 4 m/s², ये आ चुका है आपके पास में ए का वैल्यू। अब मुझे टी निकालना है, बराबर है, तो किसी भी ब्लॉक को सॉल्व करो, किसी भी ब्लॉक को लेकर सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैंने 1 kg ब्लॉक को ले लिया है, 1 kg ब्लॉक। अच्छा 1 kg ब्लॉक को लेने का मतलब क्या हुआ, 1 kg ब्लॉक में ये रहा 1 kg ब्लॉक, ये टेंशन की डायरेक्शन, ये आपके पास में कितना है, ये 20 न्यूटन है, ठीक है। अब सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है इस तरफ, तो जिस तरफ सिस्टम एक्सेलरेट होता है उधर का फोर्स बड़ा होता है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, लार्जर माइनस स्मॉलर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इक्वल टू ए प्लस 20, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 + 20 24 न्यूटन आता है। अच्छा कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने 1 kg का लिया, 2 kg का लेते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, सेम होता, क्योंकि यहां से यहां तक थ्रेड में टेंशन सेम है। सर निकाल के बताओ, ठीक है चलो देखो ध्यान से देखो, ये 2 kg का ब्लॉक, इधर लगने वाला फोर्स 32, इधर टेंशन पता नहीं, इधर एक्सेलरेशन ए है। अब देखो बड़ा वाला कौन सा है, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो बड़ा वाला 32, छोटा वाला टेंशन, मास 2, एक्सेलरेशन, तो टी इक्वल टू 32 - 2 है, तो 32 - 2 × 4 तो 8, 32 - 8 कितना आता है, तो चेक कर लो,
24 न्यूटन ही आता है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर 24 न्यूटन आएगा। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव